मॉलिक्यूलर आयंस। ये वर्ड देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट इसका मीनिंग बहुत ही ईजी है, सिंपल है। मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूल को आपको आयन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल जो है उसको आयन में कन्वर्ट करना है। अब जनरली क्या होता है कि आयन्स दो तरीके के होते हैं, एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। बट मॉलिक्यूलर आयन्स जो होते हैं वो जनरली सिर्फ एक कटायन के फॉर्म में ही तैयार होते हैं। अब मॉलिक्यूलर आयन्स को आप जनरली क्या करते हो, M प्लस से डिनोट करते हो। और प्लस का सिंपल मतलब होता है दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल। अब क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन बनाना है तो आपको मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना पड़ेगा। सबसे इजी एग्जांपल लेंगे एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मॉलिक्यूलर आयंस आर। तो देखो, सपोज हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, H2 प्लस तैयार होगा। अब ध्यान दो, मॉलिक्यूलर आयंस का मतलब ये नहीं होता कि उसको एटम में कन्वर्ट करके उसको आपको वापस आयन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर H2 प्रेजेंट था तो देखो, H2 प्रेजेंट था तो वो कुछ ऐसा प्रेजेंट था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये वाले हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले हाइड्रोजन का, आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें -1 इलेक्ट्रॉन किया, तो एटम तो वही रह जाएंगे ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा। तो क्या हुआ, देखो एटम्स तो दो ही रह गए लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गया, इसकी वजह से एक सिंगल प्लस चार्ज तैयार होता है। ये आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब पढ़ते हो ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो वहां पर N2, N2 माइनस, N2 प्लस ये सब यूज करते हो, तो वहां पर जब यूज किया जाता है तो उन्हीं को एक्चुअली मॉलिक्यूलर आयंस कहा जाता है। एक सिंपल एग्जांपल नाइट्रोजन का लेते हैं, तो सपोज N2 है हमारे पास और N2 ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो N2 जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, सॉरी, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा N2 प्लस में। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज हो जाएंगे उसके जनरली। हाँ, अगर मॉलिक्यूलर आयंस है तो वो M- में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि M- में एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा, व्हाई नॉट। सपोज हमारे पास कोई क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो Cl2- में कन्वर्ट होगा। आप अगर किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा सकते हैं तो आप किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डाल भी सकते हैं। दोनों में अगर बात की जाए तो लूज करना इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली टू गेन करना इजी होता है अगर किसी न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो। सो न्यूट्रल, अब इसका डेफिनेशन अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए तो रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो सॉरी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कंप्लीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू फॉर्म आयनिक मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर आयन। तो जनरली क्या होगा, लॉस होगा, गेन इज गेन भी हो सकता है बट गेन करने में बहुत मुश्किल होती है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अदर देन दैट अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देखने तो देखो, ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या होगा, तो ये O2 प्लस में कन्वर्ट होगा, +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूलर आयन बाय लूजिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर आयन। अब अगर बात की जाए तो जनरली क्या होता है ना कि मॉलिक्यूलर आयन हमेशा किसी, अगर डिटेक्टर की बात की जाए तो किसी भी मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी अगर डिटेक्ट करना है तो जनरली जो हेवियर मॉलिक्यूल होता है ना, जिसका हेवियर मास होता है, वो मॉलिक्यूलर आयन जल्दी डिटेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक बड़ा मॉलिक्यूल देते हैं और उसके दो आयन्स बनाते हैं, एंड देन आई टेल यू कि कौन सा जल्दी डिटेक्ट होगा, क्योंकि हेवियर होना जरूरी है। स्पेक्ट्रोमीटर मास बाय चार्ज मेजर करता है ना, तो डिटेक्ट होने के लिए भी मास ज्यादा होना चाहिए। तो सपोज आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से CH3, CH2, CH2O, CH3, ठीक है, अब ये डिसोसिएट हो रहा है, अब डिसोसिएट हो रहा है तो O इसके साथ भी डिसोसिएट हो सकता है, O इसके साथ भी डिसोसिएट हो सकता है, दोनों के साथ डिसोसिएट होने का एक एक आयन तैयार करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2O, ये रहा एक आयन और ये रहा CH3O दूसरा, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये जल्दी डिटेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और अगर मास ज्यादा होगा तो उसका, अब देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या डिटेक्ट करता है, M/Z, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका डिटेक्शन लेवल भी फास्ट होगा, उसका डिटेक्शन भी जल्दी होगा। सो जिसका मास ज्यादा उसका डिटेक्शन भी इजी हो जाता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर आयंस विच आर मोर इन मास नंबर आर डिटेक्टेड मोर इजिली बाय द स्पेक्ट्रोमीटर। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट मॉलिक्यूलर आयंस।